सामने आप गलत चीज चुका है बड़े से। विधायक जी 200% की जीत है, 100% भी नहीं, 200% जीत है, भारी बहुमत से जीत है। अभी 100 गाड़ी दूर खड़ी है, 400 गाड़ी गल्ला भी जाएगी, इतना तोड़ पाड़ जाएंगे आज, एक तरफा कर जाएंगे बुरा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वेक न्यूज। भाई कल देर रात कांग्रेस ने अपनी बची हुई टिकटें भी अनाउंस कर दी और इसी कड़ी में फिलहाल जो है बरवाला हलके के अंदर मौजूद हूं, जहां पर रामनिवास घोड़ेला को पूर्व विधायक रहे और एक उन्हें एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है और एक बार फिर से टिकट देकर के उन्हें मैदान में उतार दिया है। आज आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि उनके तमाम समर्थक आज पूरे बरवाला हलके के अंदर खड़े हुए हैं, लंबा दौरा कर करके नामांकन की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह ही दिल्ली से आए हैं और दिल्ली से सीधा आज बरवाला नामांकन दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं और ये तमाम दर्शक तमाम जो है समर्थक उनके यहाँ साथ ही मौजूद हैं। सब घोड़ेला जी को अभी टिकट मिल गई है, जीत कितनी पक्की, कितनी कच्ची लग रही है? 200% जीत है जी, कोई शक नहीं, वन तरफ इलेक्शन है, कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है इस बार। कंपटीशन ही खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है। बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला आप लोगों के सामने, कार्ड नहीं है जो अपना हल्का छोड़ के दूसरे हल्का बैठे हैं, तो पहले ठोस कारतूस है हमारे विधायक जी 200% की जीत है, 100% भी नहीं, 200% जीत है, भारी बहुमत से जीत है। हाँ जी, क्या लग रहा है आपकी बार कितना आसान होने वाली है जीत? बहुत ज्यादा जीत है जी, कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोल नहीं है इस चीज में ना। कारण क्या है, मतलब इतनी पक्की जीत और इतना भरोसा क्यों है? बहुत मिलनसार है जी, छत्तीस के साथ है, बहुत मिलनसार है हमारे घोड़ेला जी जी, और हर विधायक पीछे भी उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए, आगे भी कराएंगे जी जी। हाँ जी, क्या लग रहा है आपकी बार हल्के में क्या कुछ होने वाला है? रामनिवास जी पक्की है, रामनिवास घोड़ेला की जीत पक्की है। कारण क्या मान रहे हैं? सामने भी बड़े नेता है रणबीर गंगवा, काम करते हैं जुड़ रहे लोगों बात है। जो इतने साल इन्होंने लगातार जद्दोजहद की है उसका फायदा मिलेगा क्या? हाँ जी, जरूर मिलेगा। चलिए, आम जनता के लिए बड़ी है जी जी। कितने बजे से सुबह इंतजार कर रहे हैं? रात का इंतजार कर रहे हैं। रात का ही कर रहे हो? टिकट अनाउंस होने के बाद लगातार डीजे बजना शुरू हो गया था जी। अच्छा, रात ने हाँ माइड गांव में पहला डीजे बजाने बजा के नाचना के मिला पर बजाई जाओगे, वो थोड़ा लेट हो गया बस सुबह आगे, लेकिन ईडी देख लो पूरे भी 100 गाड़ी दूर खड़ी है, 400 गाड़ी गल्ला भी जाएगी है, तोड़ पाड़ देंगे आज, एक तरफा कर देंगे बुरा। आज ही आज अभी इलेक्शन में 25-30 दिन बड़े हैं तो वो सारे जीत होगी जी, राम जीत चुका है बुरा, जीत पक्की जी कांग्रेस की। अच्छा, टिकट मिल गई पक्का, मतलब प्रत्याशी ने जीत घोषित हुई आपके हिसाब से? देख लो आप उत्साह देख लो लोगों में, सारे गांव में डीजे बजा के नाचते लोग पटाखे बाज रहे, हर गांव में बच्चा बच्चा जानते 20 साल से। अच्छा, ना खड़ो पड़ो कोई चक्कर में, कोई नहीं चक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है, नहीं है। वो रणबीर गंगवा बड़ा नेता बना रहे हैं, सिंह सानी अगर रामनिवास घोड़ेला जितने भी मंत्री हैं। अच्छा, तो मंत्री पद की भी तसल्ली है जी? अरे दो साल खास बड़ा साहब ने क्या रखा है, ओबीसी तो मरना है, बेटा वृक्ष से आना है और ओबीसी यही है, तो हरियाणा के सबसे बड़े ओबीसी लीडर राम ने बैठ गया। हां भाई साहब, करियर करियर भाई साहब, अपने खुद ने असर बनने के लिए जा रहे हैं, आप तोड़ पाड़ दिया था पूरा रैलिया में, एक बंदा अपना हल्का छोड़ के दूसरे जिले में जाकर रैली करके इतनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, वो ओबीसी का लीडर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि समर्थक जितने भी हैं इनके उनमें भारी जोश फिलहाल मौके पर नजर आ रहा है और गाड़ियों का काफिला मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ये हाईवे की तस्वीरें जहाँ हाईवे के ऊपर इतनी गाड़ियाँ खड़ी होकर के इंतजार कर रही हैं और लगातार हल्के के गांव में या शहर से होते हुए गुजरते हुए जो है आ रहे हैं, काफिला उनका चल रहा है, सीधा अपना नामांकन की तरफ पर रामनिवास घोड़ेला बढ़ रहे हैं। चलिए, रामनिवास घोड़ेला जी से भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लगातार लंबी जद्दोजहद के बाद उन्हें ये टिकट मिली है, लगातार ये चर्चाएं सुनने को मिल रही थी कि उनको टिकट नहीं मिलेगी या उनको मिलने नहीं दी जाएगी, कई तरीके की अफवाहें जो है सियासी बाजारों में चल रही थी और आज उन्हें टिकट मिल गई है और फिलहाल नामांकन के लिए पहुँच रहे हैं, तो चलिए इससे बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस का पूरा हरियाणा के अंदर आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने 14 साल अनेक प्रकार की रैलियां, रोड का काम, घर घर कांग्रेस, इंसाफ दो का, इंसाफ दो बीजेपी हुए, सभी प्रकार के अनेक प्रकार के का प्रोग्राम जब किए, उसे पता लगा जनता को बीजेपी पका रही और हुड्डा साहब का 10 साल का राज, वो आज प्रदेश के अंदर किसान को, गरीब को, मजदूर को, सबको याद आया।
आज देखो हजारों की संख्या में फाइबर बरवाया और कितने सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां, ये रात 2 बजे टिकट मिली थी मेरे को, 12 बजे नाम सुना और 2 बजे हमारे को सिंपल मिला और सवेरा हमने 6 बजे मैसेज करवाया। अब 8 बजे कितने संख्या में लोग, भाई मैं तो किस दिल से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आगामी इस चुनाव के बाद देखने वाली बातों की हरियाणा के अंदर किसकी चलेगी, लेकिन जिस हिसाब से हुड्डा साहब आप लोगों के लिए अड़े हैं तो ये तय मान लिया जाए कि आगे भी हुड्डा साहब की अड़े नहीं है, हुड्डा साहब अड़े नहीं है, पार्टी के नेताओं का फैसला है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयपान जी, हमारे प्रभारी बाबरिया साहब, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, एक क्लियर फैसला था जो हरियाणा में जीता होगा उसको हम टिकट देंगे और जीतने वाले का आपको पता है, ये देख लो अजीत 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 मार्जिन का कोई अंदाजा नहीं है, एक तरफा जनता का माहौल है जो कांग्रेस की टिकट या परवाना की टिकट है ना कि रामनिवास की टिकट है, बताओ मेरी टिकट हल्के की नहीं, टिकट है मेरी टिकट नहीं है, परवाना हल्के के लोगों ने कहा भाई परवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी रामनिवास वगैरह कैंडिडेट थे और नहीं, इसलिए ये कारण है। रामनिवास खोडेला और उनके समर्थकों से बातचीत करने के बाद ये तो तय है कि चुनाव बड़े जोश के साथ लड़ा जाएगा, लेकिन नतीजे क्या होंगे वो भी आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा सिर्फ न्यूज के साथ। नमस्कार।